ये रहा कि 5 लोगों की मौत हुई है और 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जो सभी अस्पताल में भर्ती हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया विनोद तमाम जानकारी देने के लिए। इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है, शिवराज कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई है, कई प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी मिली है और स्थानांतरण की तारीख 30 जून से बढ़ाकर 7 जुलाई की गई है। आपको बता दें कि इसके अलावा RBC 6-4 में संशोधन, केला क्षतिपूर्ति राशि में वृद्धि, इस वक्त की बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। शिवराज कैबिनेट की बैठक जो हो रही थी वो खत्म हो चुकी है और इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की गई है, तो वहीं कई प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी भी मिली है। इसके अलावा बताते चले कि स्थानांतरण की तारीख 30 जून से बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी गई है और साथ ही साथ RBC 6-4 में संशोधन किया गया, केला क्षतिपूर्ति राशि में वृद्धि। तो बड़ी और अहम जानकारी से आपको इस वक्त की रूबरू करा रहे हैं। शिवराज कैबिनेट की बैठक से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी, जहां पर आपको बताते चले कि यह बैठक खत्म हो गई। RBC 6-4 के अंदर उसमें अब संशोधन किया गया है, जहां हम पीछे अगर चले जाएंगे तो 50% से अधिक नुकसान होने पर 1 लाख रुपया जहां मिला करता था उसे बढ़ाकर 2 लाख रुपया आज कैबिनेट ने किया है। 33 से 50% की क्षति पर जहां अनुदान सहायता 27,000 रुपये प्रति हेक्टर थी उसे बढ़ाकर 54,000 रुपया प्रति हेक्टर किया गया है। 25 से 33% की क्षति पर 15,000 थी उसे बढ़ाकर 30,000 रुपया किया गया है, लगभग दोगुना। ये किसानों के लिए, बहुत केला उत्पादक किसानों के लिए बहुत बड़ी खबर है कि पूरे प्रदेश के अंदर CM राइस स्कूल की जिस तरह से मांग बढ़ रही है और जिस तरह से परिणाम आ रहे हैं, उसके लिए आज 33 सर्व सुविधा संपन्न विद्यालयों के लिए 1,335.20 करोड़ की राशि जिनके निर्माण के लिए किए जाने का आज महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट के द्वारा लिया। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जितेंद्र जुड़ चुके हैं, जितेंद्र की ओर रुख करेंगे। जितेंद्र, शिवराज कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई लेकिन इसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, केला उत्पादकों के लिए यहां पर अच्छी खबर है। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें शिवराज कैबिनेट की, तो शिवराज कैबिनेट की बैठक मंत्रालय में आयोजित की गई थी, अब बैठक खत्म हुई है, जिसके बाद जब ब्रीफिंग दी गई मध्यप्रदेश के गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के द्वारा, तो बताया गया है कि ऐसे कई अहम फैसले हैं जो मध्यप्रदेश की जनता को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं। खासतौर पर सबसे पहले अगर हम बात करें केला उत्पादकों की, तो केला उत्पादकों के लिए भी यहां पर पूरी तरीके से जो एक फैसला है वो लिया गया है। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि सबसे बड़ी जो चीज है कैबिनेट में ये ली गई है, जो स्थानांतरण की तारीख 30 बताई गई है, जो ट्रांसफर पॉलिसी के मुताबिक 30 तारीख निश्चित की गई थी कि 30 जून को ट्रांसफर हो जाएंगे, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 7 जुलाई तक कर दिया गया है। यानी कि 3 साल से पदस्थ तमाम जो अधिकारी कर्मचारी हैं जो कि एक स्थान पर पदस्थ हैं, इसके अलावा जो जिलेवार ट्रांसफर की जो डेट निकाली गई थी उसको 7 तारीख तक कर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 33 नवीन CM राइज स्कूल की जो स्थापना है वो हुई है, जिसमें 1,335 करोड़ रुपए का जो खर्च है वो स्वीकृत किया गया है। 2400 लोगों को सब्सिडी यानी विद्युत सब्सिडी की जो स्वीकृति वो मिली है। साथ ही दीनदयाल रसोई में मामा की जो थाली है अब वो भी लोगों को आसानी से मिला करेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर शिवराज कैबिनेट की बैठक में जो केला क्षतिपूर्ति है उसमें वृद्धि की गई है। तो देखिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग वर्ग को साधने का जो प्रयास है वो किया गया है और ये वजह रही कि कैबिनेट की बैठक में आज अलग अलग फैसले गए, चाहे हम बिजली के बिलों के मुताबिक सब्सिडी की बात करें तो किसानों को साधने का प्रयास किया गया, तो वहीं पर हम देखा केला उत्पादकों के लिए भी अच्छी खबर है, तो ट्रांसफर पॉलिसी भी बढ़ा दी गया है। CM राइज स्कूल की हम बात कर रहे हैं, लगातार मध्यप्रदेश में अलग अलग जगहों पर CM राइज स्कूल बनते जा रहे हैं और ऐसे में एक बार फिर से CM राइज स्कूल की संख्या बढ़ाने में लिया गया। साथ ही साथ मेडिकल जो कॉलेज है उनको खोलने की भी यहां पर अनुमति की गई है और 6 शहर है मध्यप्रदेश के, खरगोन, धार, इन तमाम जो 6 शहर है, इन 6 शहरों में जो CM राइज स्कूल जो मेडिकल कॉलेज है वो खोलने का जो फैसला है वो भी शिवराज कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। बिल्कुल, कुल मिलाकर यहां पर कई अहम प्रस्ताव को मंजूरी मिली और कई बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। अब जितेंद्र, क्योंकि चुनाव नजदीक है और चुनाव के लिहाज से भी ये फैसले देखे जा रहे हैं, ऐसे में अगर हम देखें इस पूरी बैठक के दौरान और अब तक के जो भी प्रयास बीजेपी की तरफ से अपनाए जा रहे हैं जनता के हित को लेकर, सबसे ज्यादा फोकस किस क्षेत्र के लोगों के लिए है?
देखिए युवाओं पर फोकस किया जा रहा है, किसानों पर फोकस किया जा रहा है और आम आदमी यानी कि जो आम वर्ग का व्यक्ति है उस पर फोकस किया जा रहा है। जिस प्रकार से कैबिनेट की बैठक हुई उस बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं उसको देखते हुए ये लगता है कि सरकार अब पूरी तरीके से आम आदमी पर पूरी तरीके से अपना फोकस कर रही है और इसके अलावा किसानों पर भी पूरी तरीके से फोकस कर रही है। युवाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि चुनाव में निर्णायक भूमिका में रहते हैं युवा हो चाहे किसान हो और ऐसे में सरकार का जो पूरा फोकस है वो उन्हीं पर है और जाहिर सी बात है कि जो कैबिनेट में फैसले लिए गए हैं उसमें किसानों का ध्यान रखा गया है और उनको साधने का पूरा प्रयास किया गया है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर किसानों को काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है, उन पर काफी ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है और फोकस के तहत कई अहम फैसले भी लिए जा रहे हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। तो शिवराज कैबिनेट की बैठक ये काफी ज्यादा अहम थी और उस बैठक